सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो माई एसक्यूएल के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था, एज्यूम का आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि माई एसक्यूएल को जो विंडो सिस्टम के अंदर जो कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ के साथ जो हमारा इंस्टॉलेशन के बाद का जो प्रोसेस है, हम माई एसक्यूएल को जो अपने विंडो के अंदर जो कैसे सेटअप करेंगे, हर एक चीज जो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अगर आप एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हो तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक फॉलो करना, और अगर आप कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो लाइक मैक या लिनक्स, तो इस पे जो है हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच को जो है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट, माई एसक्यूएल को जो है हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है मैं आपको नीचे डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा, वहां से जो है आप स्टेप फॉलो करके जो है आप माई एसक्यूएल को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, दो चीजें जो है हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। वन इज दिस सर्वर, हमने ऑलरेडी देखा है कि माई एसक्यूएल जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो काम करता है, तो वन इज दिस सर्वर जो कि हमारा जहां पे जो है डेटाबेस जो है होने वाला है, और वन इज दिस क्लाइंट जो कि माई एसक्यूएल के लिए वर्क करेगा एज अ क्लाइंट। तो क्लाइंट जो है यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्क बेंच होगा, और जो हमारा सर्वर होगा बेसिकली हम उसको माई एसक्यूएल सेल कहते हैं, जहाँ पे जो है हमारा सारा डेटाबेस जो स्टोर होता है, राइट। सो वो चीजें जो है हमें यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे मैं मैनुअली जो ज्यादा टास्क नहीं करूंगा, इसके लिए जो माई एसक्यूएल वर्क बेंच और जो इसका सर्वर, इसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है एक इंस्टॉलर आता है जो कि हमें बहुत ही हेल्प करता है माई एसक्यूएल को विंडो के अंदर जो है सेटअप करने में। सो उसके थ्रू जो है हम डाउनलोड करेंगे, लेकिन स्टिल हम जब उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत से रिक्वायरमेंट है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पे आना है, लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ, और इसके सर्च बार में आपको सिंपली सर्च करना है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर डाउनलोड। तो अगर आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पे माइट भी आपको पहला लिंक जो ये मिल जाएगा, तो इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से जो है आप डायरेक्ट आ सकते हो इस पे। सो यहाँ पे हमारा वर्जन होगा कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, और बाय डिफॉल्ट जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होगे वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट होगा। एज ऑफ नाउ मैं विंडो कर रहा हूँ, तो विंडो जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट मुझे दिख रहा है। सो यहाँ पे दो इंस्टॉलर है, वन इज दी 2.1 MB और अनदर वन इज दी 306.4 MB। तो हमें कौन सा डाउनलोड करना है, तो जो नीचे वाला है विच इज 306.4 MB, ये माइट भी आगे पीछे हो सकता है ये साइज, तो जो भी हाइएस्ट साइज का होगा ना वो बेसिकली हमें डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्क्रीन है विच इज दिस वन। सो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बोल रहा है, तो एज ऑफ नाउ जो है आप नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सो एज ऑफ नाउ 306 MB का है, मैं इसको पॉज करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपके लिए जो ये डाउनलोड करके रखा ताकि हमारा टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम नहीं हो, अकॉर्डिंग टू योर नेट बैंडविड्थ ये जो है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो है हमें इसको इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए हम इसको फाइल में ओपन कर लेते हैं। तो हमारा ये जो है वो इंस्टॉलर है जिसके थ्रू जो है हम आगे प्रोसेस करने वाले। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए लाइक आप कैसे जिस तरीके से किसी भी नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ऐप को इंस्टॉल करते हो, सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करो या डबल क्लिक करो, तो ये जो हमारा इंस्टॉलर है ये हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है फॉर इंस्टॉलिंग, तो हम चलते हैं होम पेज पे और इसको बैकग्राउंड में जो यहाँ पे ये आएगा कुछ ऐसा, तो आप सिंपली इसको यस अलाउ कर देना। सो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्टेप है विच इज अ सेटअप टाइप। सो यहाँ पे हमारे पास जो फोर टाइप के जो सेटअप मिलता है, वन इज द सर्वर ओनली, वन इज द क्लाइंट ओनली, वन इज द फुल और वन इज द कस्टम। सो यहाँ पे बेसिकली इन चारों का जो है हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि बेसिकली इन सेटअप में जो है क्या। सो वन इज दिस सर्वर ओनली, इसमें क्या होता है कि हमारा जो माई एसक्यूएल का जो सर्वर है जहाँ पे हमारा बेसिकली डेटाबेस वगैरह जो है रहेगा वो चीजें जो इंस्टॉल होगा। अगर आप क्लाइंट को इंस्टॉल करोगे तो जो इसका क्लाइंट है विदाउट अ सर्वर, आपका सर्वर कहीं और अगर आप होस्ट है और जस्ट आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो आप जो है इसको सेलेक्ट करोगे। फुल के अंदर क्या होता है कि आपका क्लाइंट भी इंस्टॉल होगा, सर्वर भी इंस्टॉल होगा, और अगर आप कस्टम यूज करते हो तो बेसिकली कस्टम के अंदर क्या होता है आप अपने आवश्यकता अनुसार जो है अपने माई एसक्यूएल को जो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है जो कि माइट भी आपके सिस्टम में जो दिख सकता है विच इज अ डेवलपर डिफॉल्ट। सो डेवलपर डिफॉल्ट के अंदर जो है हमारा वो सारे प्रोडक्ट जो इंस्टॉल होगा जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, अगर वो अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो यू कैन चूज दोज ऑप्शन, अदरवाइज आप जो यहाँ पे फुल का जो ऑप्शन है इसको जो आप सेलेक्ट करोगे। तो इसमें इंस्टॉल क्या होने वाला है, तो जो भी प्रोडक्ट है
रिगार्डिंग टू MySQL सर्वर और उसका जो सेल है और साथ के साथ जो राउटिंग वगैरह जो इसको यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा। सो अभी ये इन सब के बारे में हम जो है डिटेल में नहीं जाते हैं कि ये सब क्या होता है, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ जो है यहाँ पे हमें इंस्टॉल करके देगा। तो ये आपके आवश्यकता अनुसार जो आप इसको चूज करोगे। बेसिकली हम जो भी आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने कोर्स में, तो हमारा जो सर्वर है वो हमारे सिस्टम पे होगा और साथ के साथ जो हमारा क्लाइंट है वो भी हमारे सिस्टम पे होगा। दैट मीन्स दोनों चीजें जो है हमारे सिस्टम पे होगा। दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे फुल पैकेज को जो है इंस्टॉल करने वाले। यहाँ पे फुल सेलेक्ट करके जो सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमें जो है बेसिकली इनका डेस्टिनेशन कि ये कहाँ पे जो है इंस्टॉल होने वाला है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आप सिंपली यहाँ से जो है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट जो इंस्टॉल होने वाला है। इससे पहले जो है मुझे एक वार्निंग मिला था कि ये जो फाइल है वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में जो है अवेलेबल है फॉर MySQL। तो इसका रीजन क्या था कि मैंने ऑलरेडी सिस्टम में जो है MySQL को इंस्टॉल किया था, अनइंस्टॉल किया, लेकिन वो फाइल जो है डिलीट नहीं किया। दैट्स वाई जो वो वार्निंग मुझे मिला था। डोंट वरी, इससे हमें जो है एज ऑफ नाउ कोई ज्यादा ये नहीं है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है हमें इंस्टॉल करना है, राइट। सो इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे, जो हमारा इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है। वन बाय वन जो भी चीज इनको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू योर नेट स्पीड। सो इनको जो है हम इंस्टॉल होने देते हैं और देन जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो भी हमारा इंस्टॉल होना था प्रोडक्ट वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेप जो यहाँ पे आ जाएगा। सो रेडी टू कॉन्फ़िग का जो है ऐसा आपको बेसिकली ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइप और जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको जो है एटिज जो है रख सकते हो या चेंजेस भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे है क्या जो हम अभी एज ऑफ नाउ समझ सकते हैं, तो वन इज दी पोर्ट। सो पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सर्वर होगा वो कौन से पोर्ट पे जो लिसन होगा। सो बाय डिफॉल्ट जो MySQL का जो सर्वर है वो हमारा 3306 पे जो है लिस्टेड होता है। तो आप इसको जो है एटीज रख सकते हो या आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या देना है कि आप यहाँ पे ऐसा पोर्ट डालोगे जो कि आपके सिस्टम पे अवेलेबल हो। दैट मीन्स कि अगर आपने ये पोर्ट जो है सेट कर दिया तो ये पोर्ट पे जो है कोई और सर्वर जो है लिसन नहीं हो सकता। तो ये चीज जो है ध्यान देना, इसको जो है आप चेंज मत करो, तो यही सजेशन है मेरा। तो सिंपली आप इसको ऐसे रहने दो और नेक्स्ट पे जो है आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन मेथड। सो ऑथेंटिकेशन मेथड बेसिकली हमारा होता है कि जब आपके MySQL सर्वर को कोई एक्सेस करना चाहेगा तो कैसे जो आप इसको बेसिकली ऑथेंटिकेट करने वाले हो। तो जो हमारा ऑप्शन सेलेक्ट है इसको रहने। सो सिंपली यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली MySQL के अंदर जो है सर्वर जब हमारा बनता है ना बेसिकली, तो उसके लिए जो है एक रूट अकाउंट ऑटोमेटिक जो बन जाता है और उस रूट अकाउंट को जो है एक्सेस करने के लिए जो बेसिकली एक यूजर है उससे जो है हम अपने डेटाबेस को जो है एक्सेस करेंगे और जो भी हमें काम करना है तो वो करेंगे। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पे पासवर्ड जो है क्रिएट करना होगा। सो पासवर्ड जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड है और जो रिपीट होगा वो दोनों जो सेम होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो पासवर्ड फिल करोगे और ऐसा पासवर्ड आप फिल करोगे जिसको रिमेंबर रखना है, क्योंकि जब कभी भी अगर आप डेटाबेस के साथ जो काम करोगे तो यही सेम पासवर्ड जो आपको लगेगा रिक्वायरमेंट फॉर एसेसिंग योर डेटाबेस, राइट। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड फिल कर लेना और उसके बाद जो सिंपली नेक्स्ट बटन पे जो है आप क्लिक करोगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है विंडो सर्विस का लाइक दिस वन जो है स्क्रीन आएगा। तो इसको आप एटीज रख सकते हो और सिंपली आप जो है यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कुछ फाइल का परमिशन है, सो आप यहाँ पे ग्रैंड फुल एसेस जो है आप दे सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें सर्वर को ऐसा परमिशन नहीं देना तो आप जो चेक कर लेना, लेकिन आप जो है फुल एसेस दे सकते हो क्योंकि आपका जो सर्वर है वो आप ही के सिस्टम पे होने वाला है। तो डोंट वरी, आपका डेटा जो है कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारे को यस करके फर्स्ट वाले को यस रहने देना, उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये जितने भी ऑप्शन है जो कि हमें कन्फिग करना है तो इसके लिए आपको जो है एग्जीक्यूट पे जो है क्लिक करना है। तो जो भी हमारा कन्फिगेशन है जो कि आपके सिस्टम के अंदर जो करना है वो सारे कन्फिगेशन जो ये ऑटोमेटिक जो हमारा MySQL इंस्टॉलर है वो करके देगा। तो ये जब तक खत्म होगा तब तक जो आपको वेट करना होगा और इसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप फिनिश करोगे तो आपको जो यहाँ पे फिनिश का जो ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है विच इज दिस वन वो कन्फिग हो चुका है, रेडी टू कन्फिग। नेक्स्ट कर लेना, यहाँ से जो सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इसको सिंपली आप फिनिश कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से जो इसको यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप फिनिश करोगे तो आपका जो MySQL है वो डन हो जाएगा। इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड यहाँ से फिल करके जो है आप चेक कर सकते हो अपने कनेक्शन को
को, तो यहाँ पे देखो हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली हो गया, दैट मीन्स आपका सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है। अब अगेन आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जो है एग्जीक्यूट कर देना, कुछ और भी स्किप जो है रन होगा, जो हमारा फाइनल सेटअप है बेसिकली वो कंप्लीट यहाँ पे होने वाला है। तो हमारा फाइनल सेटअप जो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप फिनिश पे क्लिक करो, ये यहाँ पे गाइड आ जाएगा जिसके थ्रू जो है आप चेक कर सकते हो और यहाँ से सिंपली आप इसको फिनिश करोगे तो हमारा जो पूरा सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो MySQL का वर्कबेंच है और सॉरी जो सेल है वो यहाँ पे आपको जो ओपन हो जाएगा और साथ के साथ जो हमारा MySQL वर्कबेंच है वो भी ओपन हो जाएगा। तो देखो हमारा जो क्वेरी होगा वो दो जगह जो है हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वन इज दी MySQL वर्कबेंच जो कि इसका क्लाइंट है और जो आपने इंस्टेंस यहाँ पे बनाया होगा वो इंस्टेंस जो यहाँ पे मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके जो है आपको माइट बी फर्स्ट टाइम जो है पासवर्ड जो है पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले से इसको पासवर्ड दे के रखा है तो वो जो है नहीं मांग रहा है, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे तो माइट भी आपसे जो है पासवर्ड पूछेगा तो वो पासवर्ड जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वर्कबेंच आपको मिलेगा कैसे, तो आप जो है विंडो के अंदर विंडो की को प्रेस करना और यहाँ पे MySQL वर्कबेंच अगर आप सर्च करोगे तो ये और इसको एंटर करोगे तो आपका जो वर्कबेंच है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हम एक तो इसके थ्रू जो है अपना काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके थ्रू जो है सारा टास्क सीखेंगे जो भी हमें डेटाबेस पे करना है, और एक जो है हमारा MySQL सेल करके आता है, तो MySQL सेल अगर आप करोगे और बेसिकली आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सो ये हमारा जो है MySQL सेल है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके थ्रू भी जो है हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, बट हमें सीखना दोनों है, लेकिन हम सबसे पहले जो वर्कबेंच के थ्रू जो है हम काम करेंगे। तो आई होप आपको ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है समझ में आया होगा, कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो लाइक मैक या लिनक्स तो उसके लिए हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए ऑलरेडी मैंने नीचे PDF दे रखा है, आप वहां से जो है गो थ्रू कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां जो है अपने MySQL वर्कबेंच को जो है चलाना सीखेंगे, बेसिकली जो बेसिक कमांड है या बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।